बड़ी खबर देहरादून से है, जहां दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों का होगा सम्मान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे सम्मानित। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुभाष रोड देहरादून स्थित लॉर्ड बैंक टेश्वर में होगा आयोजन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों का सम्मान होगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सम्मानित करेंगे। तो विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे, तो सीएम राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिव्यांग जनों को सम्मानित करेंगे, तो दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों का सम्मान होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सम्मानित करेंगे, विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होगा, सीएम राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तो सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सुभाष रोड देहरादून स्थित लॉर्ड वेंकटेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिव्यांग कर्मचारी और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। तो सीएम राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे मुख्यमंत्री धामी। सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सुभाष रोड देहरादून स्थित लॉर्ड वेंकटेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे, क्या अधिक जानकारी कार्यक्रम को लेकर? देखिए उदय, अगर बात करें अभी सुबह से जो है अपने शासकीय कार्यों में, अपने कैंप कार्यालय में जो है मुख्यमंत्री बिजी हुए, उसके बाद लगभग 11 बजे के करीब जो सदर ऑडिटोरियम है वहां पे जो है आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, उसके उपलक्ष में जो कर्मचारी है और नागरिक है उनको जो है वो सम्मानित करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके लिए कहीं ना कहीं जो है वो कोई सौगात भी दें यहाँ पर। अवनीश जी, अगर बात करें तो हम देखते हैं कि समय समय पर दिव्यांग जनों के लिए सरकार कई तरह के कदम उठाती है, चाहे वो बसों की बात की जाए या ट्रेन की बात की जाए, हम देखते हैं कि सीटें जो है वो दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित होती हैं, लेकिन एक बड़े स्तर पर योजनाएं खासकर दिव्यांग जनों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस दौरान कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से पहले जो है दिव्यांग यहाँ पे लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर कि उनको आरक्षित सीटें दी जाएं, उनको नौकरियों में जो है यहाँ पे नौकरियां दी जाए, ये तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से जो है पुष्कर सिंह धामी ने भी पहल करते हुए उनको जो है प्रायोरिटी दी थी और कई जगह पे जो है उनको प्रतिनियुक्ति में जो है यहाँ पे शामिल भी किया था, उसको लेके अब कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो है बात की जा रही है, आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है तो कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उनके लिए कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं, कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। और अभी जो हाल फिलहाल की बात करें तो दिव्यांगजनों के लिए लगातार जो है सरकार तत्पर रही है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना था और कार्य भी कर रही है। जी उदय जी, अवनीश जी धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर आज देहरादून में कई कार्यक्रम होंगे और कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, तो दिव्यांग कर्मचारी और खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो सुभाष रोड देहरादून स्थित लॉर्ड वेंकटेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो सीएम राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।